एक बंदर सोया हुआ है, देखो यहाँ पे, देखो कैसे सोया हुआ है, रोलेक्स उसी को देख रहा है, रोलेक्स दीवार पर चढ़ जा रहा है, देखो अभी मैं चढ़ा के दिखा रहा हूँ, रोलेक्स ये बॉय, ये बॉय। आ गए हम, अब रोलेक्स की रनिंग शुरू करेंगे, रोलेक्स कम, देखो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएचएन ब्लॉग। अभी जस्ट मैं सुबह सुबह आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि रोलेक्स खुला पड़ा है, देखो अपने चेन एन खुला के तोड़ा के पूरा दौड़ रहा है इधर से उधर। एक्चुअली आज जाना है मुझे मंदिर के लिए, तो मैंने सोचा सुबह सुबह इन लोगों को खाना वगैरह दे देता हूँ, फिर जल्दी से नहावा के निकलता हूँ पूजा करने के लिए। ये देखो आके देख रहा हूँ तो ये अपना खोल कैसे पूरा इधर उधर दौड़ रहा है, लग रहा बंदर आए होंगे और इसने प्रेशर लगाया होगा उसके, बट इसका जो वो पिलर में जिसमें बांधा था मैं वो टूट गया होगा, उसके बाद ये घूम रहा है इधर से उधर। देखो अभी भी ऊपर ही देख रहा है, बंदरों को ही देख रहा है कि किधर गायब हो गए हैं, इधर पेड़ पे आए होंगे उन्हीं के लिए इतना एक्साइटेड होगा और तोड़ दिया होगा। अभी ये तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है, जोर को चल के देखता हूँ उसकी क्या हालत है। ये देखो जो भी आ गया बात, नो रोलेक्स, नो नो रोलेक्स। ये खेलने के मूड में है कि फाइट तो नहीं होने दूंगा वैसे मैं, लेकिन अगर जो ने थोड़ा भी रिएक्ट किया तो कुछ भी हो सकता है। नो नो, हटाना पड़ेगा इसको, जो जाएगा बाहर फ्रेश होने के लिए। इसको देखो ये भी पूरा प्रेशर लगा रहा है कि उसके पीछे पीछे जाऊँ, ये भी चला गया उसके साथ साथ बाहर, फिर आ गया अंदर। इसको पता है मैं इसको ज़्यादा बाहर नहीं जाने देता हूँ, लेकिन धीरे धीरे अब मैं इसको भी अलाउ करने लगा हूँ क्योंकि फ्रेंडली हो गया अब, उतना किसी पर अटैक वगैरह नहीं करता है। तो जो भी अब फ्रेश हो गया गाइस, लेके चलता हूँ इसको घर ही, बहुत ज़्यादा घूम लिया, मेरे को निकलना भी है, चल के दोनों को खाना दे देता हूँ। रोलेक्स अभी अंदर ही खुला था, मेरे पास पता नहीं क्यों डर लग रहा है कि फाइट हो सकती है। देखो बार बार उसके पास जा रहा है, ज़रा भी रिएक्ट करेगा जो, उसके बाद से फिर फाइट हो जाएगी सीरियस वाली, तो जल्दी से उसको अंदर डालता हूँ। तो फाइनली जॉय को खाना दे दिया, रोलेक्स को भी, रोलेक्स ने अपना खाना ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया, थोड़ा सा बचा है, दिन भर में कर देगा फिनिश। जॉय को खाना देकर रूम में शिफ्ट कर दिया, मैं चलता हूँ। अ फ्यू इंचेस लेटर, कल तो ब्लॉग आया नहीं था गाइस क्योंकि कल मैं चला गया था मंदिर और बहुत लेट आया वहाँ से, सुबह सुबह आ गया हूँ। रोलेक्स ने दो दिन से ग्रिप भी नहीं लगाया है, तो अभी फिलहाल ग्रिप लगा रहा है। अब जॉय को भी बाहर निकालता हूँ, ये देखो बहुत तेज हवा चल रही है, उसकी वजह से देखो पूरा क्या हाल हो गया है, सारे पत्ते कभी इधर जाके गंदे कर रहे हैं, कभी इधर, कल ही पूरी सफाई हुई थी फिर पूरा फैल गया। देखो सिर बाहर निकाल ले रहा है गेट से। तो रोलेक्स का कहने का मतलब ये है कि जब तक मैं ग्रिप लगा रहा हूँ यहीं पे खड़े होकर देखो, नहीं देखोगे तो मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अभी ये लगा रहा था मैं थोड़ा बाहर चला गया था जॉय को देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है, तो ये भी जाके वहाँ गेट से सर निकाल रहा था। यही प्रॉब्लम है इसके साथ, जब तक यहाँ रहूंगा तभी तक ग्रिप लगाता है, हट गया तो छोड़ देता है। लेकिन बहुत सारे डॉग्स को देखा हूँ मैं, वो ग्रिप के लिए बहुत ज़्यादा पागल होते हैं, लेकिन उतना पागल नहीं है। अगर मैं कहूँगा मैं चाहूँगा लगाए तो घंटों लगाता है, लेकिन अगर मैं नहीं रहूँगा तो छोड़ देता है खुद ही। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है गाइस, लेकिन आज मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, सरसों दबाना है, इधर जा रहा हूँ मशीन को बुलाने के लिए। देखो देखो सामने चल रही है, इधर धूप कुछ ज़्यादा तेज है आज। ये रही मशीन, तो अभी घर आ गया हुआ, इस खेत कट नहीं पाया, मशीन वाला बोल रहा है कि अभी नहीं बाद में आओ कल कटेगा, तो आज फिर से मैं पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो क्या टाइम वेस्ट करना है, अभी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, देखो टाइम क्या हो रहा है, 1:52 हो रहा है, देखते एक बार शाम तक अगर होगा तो आज वो सरसों दबा देंगे, नहीं तो शाम को लेके चलेंगे रोलेक्स को घुमाने के लिए, और जो अभी बिल्कुल ठीक हो गया तो उसको भी कोशिश करेंगे कि उसको भी लेके चले। अ फ्यू इंचेस लेटर, अभी 1-2 घंटे पढ़ाई किया था कि कॉल आ गया कि मशीन आ गई है, फिर से आना। फाइनली काम हो गया गाइस, अब चलता हूँ घर और शाम को डॉग्स को लेकर चलेंगे घुमाने के लिए, खत्म हो गया सारा। पहले रोलेक्स को घुमा के आता हूँ, दो दिनों से उसको बाहर भी नहीं लेके आऊँ ना रनिंग वनिंग, वो ज़्यादा ही एग्रेशन कर रहा था, लेके चलता हूँ उसको आज थोड़ी सी रनिंग भी कराऊँ। बोल रहा है लेके चलो घुमाने के लिए, रोलेक्स रोलेक्स, वैसे अपना नाम जान गया, जब बोलता हूँ तो आ जाता है कॉल करने पे। रोलेक्स रोलेक्स, देखो आ गया फिर से, इधर से जो भी दरवाजा बजा रहा है इसको भी खोलता हूँ। लो ये भी आ गया बाहर, डर लगा रहता है हमेशा कि फाइट ना हो जाए। नो 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 रोलेक्स, नो नो रोलेक्स, नो नो, गुड बॉय, कम बॉय, रोलेक्स कम कम यार, इधर आ, नो। तो जो भी बाहर जाके फ्रेश हो लेगा, रोलेक्स को लेके चलता हूँ मैं बाहर दौड़ाने के लिए, तो इधर से उधर कितना रनिंग कर रहा है, लेकिन मैं अकेले बस रोलेक्स को ही कंट्रोल कर सकता हूँ। जो भी जाने के लिए तैयार हो रहा है, वो जाएगा तो फिर फाइट हो जाएगी, बाहर स्ट्रीट डॉग रहते हैं, अभी तो ठीक हुआ है, फिर काट उठ लेंगे, फिर जाके घाव वगैरह हो जाएगा। बात तो सही है, यहाँ पे एक बंदर सोया हुआ है, देखो यहाँ पे, देखो कैसे सोया हुआ है, रोलेक्स उसी को देख रहा है, देखो उसी पे। जब रोलेक्स छोटा था तो बहुत डर लगता था, क्योंकि यहाँ पे अक्सर बंदर बहुत आते हैं, नीम का पेड़ है ना यहाँ पे, हमेशा आते रहते हैं, तो मैं डरता था इसको लेके ना भग जाए कभी। लेकिन जब ये बड़ा हो गया, फिर इसको देखा मैंने किसकी क्या औकात है, एपीबीटी की जो ओरिजिनल औकात होती है, फिर देखो 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 देखो, तो मेरे को समझ में आ गया कि छोटा भी रहेगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो बंदर के बस का तो नहीं है भाई। देखो कैसे एग्रेशन कर रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसा लग रहा है दीवार पे ही चढ़ जाएगा, वो आराम से सो रहा है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। रोलेक्स रोलेक्स दीवार पे चढ़ जा रहा है, देखो अभी मैं चढ़ा के दिखा रहा हूँ, रोलेक्स ये बॉय ये बॉय, ये देखो ये देखो ये देखो, बंदर देख रहा है इसी को यहाँ पे खड़ा होकर,
यू बॉय रोलेक्स। बाय भाई, डर तो है रोलेक्स का, उतना ऊपर था बंदर, लेकिन फिर भी एक दो बार दीवार पे चढ़ा, डर के मारे भाग गया वहां से। देखो अब इसको लेके चलता हूँ बाहर दौड़ाने के लिए। चलो रोलेक्स आओ, रोलेक्स कम बॉय रोलेक्स। पर उससे पहले जॉय को अंदर लेके आ जाता हूँ गेट से, उसके बाद लेके चलूंगा इसके। यहाँ पे घूम रहे, चल अंदर चल। ओए देखो इधर बोल रहा हूँ तो उधर भाग रहा है, गजब बेइज्जती है। ये लो रोलेक्स ने करकट गिरा दिया, तोड़ दिया। ये लो पूरा करकट नीचे आ गया, खींच के गिरा दिया, देखो पूरा। आ गए हम, अब रोलेक्स की रनिंग शुरू करेंगे। रोलेक्स कम, देखो आगे बुलाने की। हल्की सी रनिंग कराऊंगा क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज कराना बिल्कुल जरूरी है इसको, नहीं तो नहीं कराने पे एग्रेशन आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ज़्यादा नहीं, हल्की सी रनिंग कराएंगे, उसके बाद लेके चलेंगे। जॉय को भी जाके खोल देंगे, वो थोड़ा बाहर से आ जाएगा घूम घूम के, क्योंकि उसको अभी निकला था, अभी अंदर डाल दिया था मैंने रूम में। रोलेक्स की रनिंग करा दी 2-3 मिनट तक, देखो कैसे थक के बैठा हुआ है। और अभी भी उस बोतल को लेके तोड़ने में लगा हुआ है, देखो कैसे हाँफ रहा है, एकदम मेंढक की तरह लेट गया दोनों पैर करके। तब सनसेट भी होने वाला है थोड़ी देर में, लेके चलता हूँ इसको घर और जाके जो को अनलिस कर दूंगा वहाँ पे। तो रोलेक्स को लेके आ गया हूँ घर गाइस, अभी वो बंदर वहीं पे सोया हुआ है फिर से आके, देखो। और रोलेक्स की ध्यान फिर उस पे चला गया उसका, उसी को देख रहा है, देखो फिर जाएगा दीवार पे, एक दो बार चढ़ेगा फिर भगाएगा उसको, देखो चुप बॉय रोलेक्स, उसी को देख रहा है वो यहाँ पे, देखो ये रहा। अब जॉय को अनलिस्ट, उसको रूम से बाहर निकालता हूँ जॉय को, जॉय भी आ गया बाहर अब, लेकिन लग रहा है उसका बाहर जाने का मन नहीं। अरे वाह, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया था गाइस, 8-9 फीट तक तो चढ़ा ही हुआ था, मैं वीडियो नहीं बना पाया, वहाँ तक एकदम चढ़ा हुआ था, जो ईंट दिख रही है वहाँ तक। देखो 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 देखो, अरे इस बार तो बहुत कम था, इससे पिछली बार में बहुत ऊपर तक चढ़ा था। देखो कैसे हाँफ रहा है, थोड़ा सा दौड़ लिया उसके बाद लगना इसका हाँफना शुरू हो गया, गर्मी के दिनों में यही हाल है। देखो मैं जब तक बैठा हूँ तब तक यहीं पे बैठा रहेगा, अभी यहाँ से जाऊँगा तभी जाएगा। देखो जो भी घूम के चला गया रूम में, अब थोड़ी सी और रात होगी तो उन लोगों को खाना लेके दे देंगे, बढ़िया पानी रात होगी गैस। और रोलेक्स का खाना लेके आ गया मैं, और जो का भी देता हूँ खाना इसको। होय होय होय, आराम से आराम से आराम से। तो यही था आज के ब्लॉग में गैस, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मन करे तो शेयर भी कर देना। मिलता हूँ कल नए ब्लॉग के साथ।